जी आपको बस जी डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। मुझे ये नेम्स नजर आ रहे हैं, मोहम्मद साकिब, रियाज, अलीजा, शिबा, मलाइका, अक्सा, राफिया, जो मेरे सामने सामने हैं, समन, शजर, लुबैना। और बेटा आप कैसे हो, हाउ आर यू। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। जी बेटा हमारा कल का लेक्चर चल रहा था न्यूट्रिशन का, ठीक है, तो इसी को हम लेकर के चलते हैं जहां आगे, जहां तक हमारा लेक्चर था। तो हमारा लेक्चर जो है ये हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हमने पढ़ लिया हुआ है। मैं आपको उस स्लाइड तक लेके चल रही हूँ जहां से हमने छोड़ा था, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। ये सारा हो गया था जी, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन भी पढ़ लिया था, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया हमने, लिपिड भी हो गया था जी, टाइप्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड भी हो गया, वेरिएशन हम पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशनल वेरिएशन थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, उसमें ये सारी हमने वेरिएशन पढ़ ली थी लाइफ साइकिल में, इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे। तो न्यू नेट वाला बेटा हो चुका था, फोर न्यू नेट में 4 to 6 months ऑफ एज आता है, और 4 to 6 months ऑफ एज में मुख्तलिफ जो टाइम पे जो न्यू नेट की हैबिट्स चेंज होती हैं, हैबिट्स के साथ उसकी न्यूट्रिशनल हैबिट्स भी चेंज होती रहती है। तो ये हमने पढ़ लिया था, अब हमने यहाँ से पढ़ना एट 7 to 9 months ऑफ एज, ठीक है, 7 to 9 months ऑफ एज में एट द एज विद द अरप्शन ऑफ टीथ, ये मेरा कल पढ़ लिया था आप, हाँ ये हो गया था। टोडलर पढ़ना था हमने, टोडलर्स जो है 1 to 3 years एज के बच्चे जो है वो न्यूट्रिशन, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज क्या होती है, तो वो किस टाइप की न्यूट्रिशन लेते हैं, बिकॉज ऑफ मैच्योरिंग जीआईटी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटरस्टाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि उनकी मैच्योर हो रही होती है। टॉडलर्स कैन ईट मोस्ट फूड एंड एडजस्ट टू 3 meals ईच डे, तो उस पर मैंने बताया था कि इन्फेंट की जो है वो मील्स जो है वो उसका टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो पा रहा होता, तो क्योंकि उस वो बच्चा जो है 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जो है 2.5 hours से लेके 4 hours के दरमियान में उसको मस्ट जो है वो जो है फीड कराना पड़ती है, तो इसलिए उनका टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। इस एज के बच्चे जो 1 to 3 years के, इनका टाइम जो है फूड का या न्यूट्रिशन का वो 3 meals ईच डे जो है एडजस्ट कर दिया जाता है। टॉडलर्स फाइंड मोटर स्किल्स आर सफिशेंटली वेल डिवेल्प, इनकी जो मोटर स्किल है वो वेल डिवेल्प हो रही होती है इन डेज में। बिफोर द एज ऑफ 20 months मोस्ट टॉडलर रिक्वायर हेल्प विद ग्लासेस एंड कप्स बिकॉज देयर रिस्ट कंट्रोल इज लिमिटेड, और इस एज के बच्चे जो है क्योंकि इनकी मोटर स्किल जो है वो अभी
सफिशेंटली डिवेलप नहीं हो रही होती, डिवेलप हो रही है, जिसकी वजह से ये कप या ग्लास को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इनकी कप या ग्लास में जब पीना पसंद करते हैं तो इनको हेल्प करनी पड़ती है कप या ग्लास पकड़ने में। बाय द एज ऑफ 3 व्हेन मोस्ट ऑफ द बेबी टीथ हैव एमर्ज टॉडलर कैन बाइट एंड च्यू एडल्ट टेबल फूड। तो जब 3 साल तक चले जाते हैं तो ये बच्चे जो हैं इनके टीथ जो है वो इमर्ज बीन कंप्लीट हो जाते हैं और वो टेबल जो है स्पून के साथ खाना पसंद करते हैं और इस एज में खाते हैं। और चूंकि इनकी मोटर स्किल डिवेल्प हो रही होती है और बाकी जो बॉडी मसल्स और जो है इनके डिवेलपमेंट स्टेज जो है वो वेरी फास्टली ग्रो हो रहा है, इसलिए इनकी न्यूट्रिशन का इस टाइम जो है वो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि ये बच्चे जो है खुद खाने के आदि होते हैं, वो खुद चाह रहे होते हैं कि हम स्पून पकड़ के तो खुद अपनी मर्जी से खाएं, लेकिन उनका चेक एंड बैलेंस रखना बहुत जरूरी है कि उन्होंने खाया है या खराब ही किया है। हेल्दी टॉडलर्स जो है वेइंग 15 kg नीड अबाउट 1200 ml फ्लूड पर डे। तो ये जो नॉर्मली इनको 15 kg इनका वेट होना चाहिए और इनका जो फूड वैल्यूज है वो 1200 जो है ml फ्लूड पर डे इनको जरूरी है। अगर कैलोरीज देखें तो कैलोरीज रिक्वायरमेंट इज 1000 to 1400 कैलोरीज किलो कैलोरीज पर डे जो है इनको जरूरत रिक्वायर्ड है इन बच्चों को। इन्फेंट में जो था वो 1000 कैलोरीज तक रिक्वायरमेंट थी उनकी, ठीक हो गया। अब दी फॉलोइंग सजेशंस में हेल्प पेरेंट्स मीट द चाइल्ड न्यूट्रिशनल नीड एंड प्रमोट इफेक्टिव पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन। तो जिस तरह मैंने कहा ना कि बच्चे को इस एज में जो है उसका मोटर जो है सिस्टम वो भी डिवेलप हो रहा है और टोटल डिवेलपमेंट बच्चे की मसल्स एंड ग्रोथ डिवेलपमेंट वो फास्टली हो रही है, तो इसमें पेरेंट और चाइल्ड का इंटरेक्शन जो है वो बहुत होना चाहिए ताकि बच्चा जो है अपने पेरेंट्स की बात मान के अपना न्यूट्रिशन वैल्यूज जो है वो अच्छा करे। अगर उसको डांट डपट किया जाएगा, इस एज के बच्चे जो खराब ज्यादा करते हैं, चेक एंड बैलेंस किया जाए और बच्चे की जो उसको डिजायर और उसको जो उसके जिस चीज को बच्चा पसंद करता है लाइक करता है वो चीजें बच्चे को फूड में देना चाहिए। एक बच्चे की पसंद और उस पसंद के अंदर देखना कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या है, ठीक है। मेक मील टाइम प्लेजेंट टाइम बाय अवॉइडिंग टेंशंस एट द टेबल एंड डिस्कशन ऑफ बैड बिहेवियर। बट एक बच्चे के लिए जो टाइम प्लेजेंट टाइम है वो चूज करना चाहिए और ऐसी टेंशंस ना हो कि जहाँ टेबल पे जो है डिस्कशन और बैड बिहेवियर्स यूज किए जाएं और वहाँ पे जो है अच्छी डिस्कशन और प्लेजेंट इन्वायरमेंट हो और बच्चे के लिए जो है यूटेंसिल्स स्पून्स वो खूबसूरत और खूबसूरत करके फूड को उसके उसे खिलाया जाए और उसे जो है ट्रिकी इस बच्चे को खिलाया जाता तो ये बच्चे जो है इनका न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो फुलफिल हो जाती है। अदरवाइज ये बच्चे इस एज के बच्चे को खिलाना बहुत मुश्किल होता है। डोंट यूज फूड एज अ रिवार्ड और पनिश अ चाइल्ड हु डजंट ईट। जो खाना नहीं चाह रहा उसको एज अ पनिश या एज अ रिवार्ड नहीं देना, उसको जो है ट्रिकली जो है यूज करवाना, उसके लिए इन्वायरमेंट इस तरह का पैदा करना, उसके लिए अट्रैक्शन इस तरह की बनाना कि बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ खा ले। Schedule meals, sleep and snacks time that will allow for optimum appetite and behavior. Schedule meals jo hai and sleep and snacks time jo hai, they will be allow for optimum appetite and behavior. अब ये schedule इस तरह का करना, अगर बच्चे की नींद पूरी होगी, ठीक है, तो बच्चा जो है जो वो खाना भी पसंद करेगा। अगर उसका स्लीप
पैटर्न जो है वो फुलफिल नहीं हुआ तो वो खाना भी टाइम से नहीं खाएगा और वो जो है स्केड्यूल मील उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह का एनवायरनमेंट जिसमें उसको एपिटाइट भूख और बिहेवियर जो है उसका अच्छा हो और उस टाइम का जो है स्केड्यूल उसके लिए फुल किया जाए, ना कि ये कि बच्चे को सोए सोए को जबरदस्ती उठा के कि इसके 3 घंटे या इसके खाने का टाइम हो गया तो उसको जबरदस्ती खिलाया जाए। प्री स्कूलर्स जो है वो 3 to 5 years की एज उनकी बनती है। 3 to 5 years की एज में चिल्ड्रन एट दिस एज आर वेरी एक्टिव, रिक्वायर स्नैक्स बिटवीन मील्स, चीज, फ्रूट, योगर्ट्स, रॉ वेजिटेबल्स और गुड चॉइसेस। इस टाइम में बच्चे की चॉइसेस जो है वो बहुत अच्छी अच्छी होती है। बच्चा खुद चॉइस करता है कि मैंने ये चीज़ खानी वो चीज़ खानी, उसको अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस जो है वो चूज़ करके। तो अगर बच्चा कोई ऐसी चीज़ चूज़ करता है जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो फुलफिल नहीं होती, तो जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज फुलफिल हो रही है उसको अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव, कलरफुल बना के बच्चे को दिया जाए। The 4-year-old requires parent help in cutting meat and may spill milk when pouring from a large container। जब इस तरह के बच्चे जो 4 years के हुए हैं वो खाना तो खुद पसंद करते हैं लेकिन उनको पेरेंट्स की जरूरत होती है उनसे मीट के, मीट जो जब खाते हैं तो उसके पीसीस बना के दिए जाते हैं और मिल्क को एक कंटेनर से दूसरे में जो है चेंज करके दिया जाता है। जब बच्चा जो है वो मिल्क है तो उसको खूबसूरत दूसरे कंटेनर में, या गर्म मिल्क है या ज्यादा ठंडा है, तो चॉइस ऑफ दी जो है चाइल्ड उसको जो है दूसरे कंटेनर में डाल के लार्ज से शॉर्ट में तो दिया जाए ताकि बच्चा खुश होकर उसको पी ले। 4 to 5 years old often use their fingers to pick up food। और इस तरह के बच्चे 4 to 5 जो है वो जो है यूज देयर फिंगर्स टू पिक अप फूड, फूड को पिक करने के लिए अपनी फिंगर्स यूज करते हैं। तो इनकी भी हेल्प बनती है, इनकी जो है हाइजीनिकली कंडीशन जो है सबसे पहले देखना जरूरी होता है खाने से पहले। 5 years old जो है उनका वेइंग 20 kg रिक्वायर एट लीस्ट 75 ml ऑफ लिक्विड पर डे और 1500 ml एवरी 24 hours। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, इनका वेट जो है वो 20 kg होना चाहिए और इस वेट के अकॉर्डिंगली जो है 75 ml ऑफ लिक्विड्स पर डे और 1500 जो है ml एवरी 24 hours में। तो ये जो है ये देखो ये तो बताया हुआ था प्री स्कूलर्स एज या इस एज में, तो इसी तरह जो है चेक एंड बैलेंस बड़ों का रखा जाता है। हमें अपना भी इसी तरह ख्याल रखना कि हमें जो है वो 300 जो है ml 24 hours में लेना होता है मस्ट, और 12 hours में हमें जो है वो 1000 to 1200 ml फ्लूइड जो है वो लेना जरूरी है। हमें इन लोगों के साथ, इन बच्चों के साथ साथ अपना चेक एंड बैलेंस भी जरूरी है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं माएँ, खासकर जो मदर्स, वो अपने आप को बेचारी नेगलेक्ट कर लेती हैं और वो अपने बच्चों को इतना फोकस कर देती हैं कि बच्चों पे फोकस करते करते वो अपनी सेहत जो है वो खराब कर लेती हैं। तो इसलिए जब हम लोग, हम मीन के बड़ी बहनें, माएँ या फिर जो है हेल्थ प्रोफेशनल, आप और हम, ठीक है, जब दूसरों का इतना हमने ख्याल, कैलोरीज का और पर डे कितना फ्लूइड या लिक्विड या कैलोरीज देना है एज वाइज, तो उनके साथ साथ हम अपना ख्याल रखेंगे, हम हेल्दी होंगे। हम मीन हेल्थ प्रोफेशनल, हम मीन बड़ी बहनें, हम मीन पेरेंट्स, हम मीन स्पेशली मदर को फोकस करेंगे, ठीक है, जो दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद बेचारी अपना ख्याल नहीं रखती। स्कूल एज जो है चाइल्ड है 6 to 12 years। अब स्कूल एज चाइल्ड जो है वो 6 to 12 years के होते हैं।
इनमें जो है स्कूल एज चिल्ड्रन रिक्वायर अ बैलेंस्ड डाइट इंक्लूडिंग अप्रोक्सीमेटली 1600 टू 2200 किलो कैलोरीज पर डे। ठीक हो गया। अब ये जो है 12 साल का बच्चा, 6 से लेके 12 साल का बच्चा अच्छा खासा जो है वो खाना खाता है नॉर्मली। ठीक है, तो इसकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट जो है वो 600 टू 2200 किलो कैलोरीज पर डे रिक्वायरमेंट है। The average healthy 8 years old weighing 30 kg require about 1750 ml of fluid per day। अब जो है इनके एजीज जो है एवरेज उन्होंने अगर कहा है, एवरेज उन्होंने 6 टू 12 के दरमियान जो एवरेज निकाली है वो 8 ईयर्स की, जिसका वेट जो है जो 30 केजी होना चाहिए, और 30 केजी की रिक्वायरमेंट जो है वो 1750 ml जो है फ्लूइड पर डे इसको मिलना चाहिए। अब फ्लूइड जो है उसमें सिर्फ पानी ही नहीं होता, फ्लूइड में जो है वो मिल्क, जूसेस और सिंपल वाटर, इसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और जितनी डाइट बैलेंस प्लान फ्रूट जो है उनको हम ग्राइंड करके मिल्क में वाटर में दे सकते हैं। ये इन बच्चों के लिए भी और ये हमारे लिए भी, यही है कि अगर हमें कहे कोई कि 300 ml 24 आवर्स में पानी ले ले तो सादा पानी नहीं पिया जाता, तो उसकी जो कैलरीज है उसका ख्याल रखते हुए हमें जो जैसे हम मिल्क शेक पीते हैं दूध को दिल दिन करा तो उसमें कुछ फ्रूट डाल के पी लेते हैं, तो कुछ चीजें कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो मिल्क में ग्राइंड नहीं कर सकते तो उसको हम वाटर में जो है ग्राइंड करके पी लेते हैं, या हम हमारे पास मिल्क नहीं है तो हम उसको पानी में वाटर में डाल करके तो जूसेस बना के जी बेटा उसको ग्राइंड करके कह लेते हैं निम्रा, यू ऑलवेज हेल्प मी। ठीक है, तो थैंक यू शेक मिल्क और फ्रूट जूसेस वाटर, थैंक यू सो मच निम्रा। और यही चीजें मैं इसको सिंपली यही कह देती हूँ कि वाटर में ग्राइंड करके दे दे, मिल्क में ग्राइंड करके दे दे, तो वही शेक मिल्क जूसेस जो है कि, और इसके अंदर जो है आप शिकंज बीन भी ऐड कर ले और कच्ची लस्सी ऐड कर ले। ठीक है, जब हमारा सादा पानी, या देखो अल्लाह ताला ने कितनी नियमतें बनाई हैं हमारी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कि अगर हमें एक चीज पसंद नहीं है तो हम दूसरी चीज जो है वो ले लेते हैं, तो दूसरी इतनी सारी अल्लाह ताला की नियमतें जिसमें हम अपनी जो है अपने आप को रिहाइड्रेट जो है वो करने के लिए तो एक चीज नहीं तो दूसरी चीज जो है जो हम यूज कर लेते हैं। तो अब शेक की इतनी सारी जो है पक्की लस्सी, कच्ची लस्सी शेक और जो है फलुद्दा शेक, इतनी सारे फ्लेवर्स आप बता रहे हैं, तो ये इट मींस के बेटा के फूड को जो है न्यूट्रिशनल वैल्यूज को है जो है उसको अट्रैक्टिव बना के, ये जरूरी नहीं है हमारे पास बहुत कॉस्टली फ्रूट हो, हमारे पास बहुत कॉस्टली चीजें हैं, ये हम रूटीन की चीजें जो है उनको ग्राइंड करके वाटर और मिल्क या लस्सी वगैरह में डाल के तो पी सकते हैं। ठीक हो गया, फिर मैं ग्राइंड ही कह रही हूँ, मिल्क शेक शेक लस्सी जूसीज। ठीक हो गया, और पुअर ईटिंग हैबिट्स में काज ओबेसिटी इन स्कूल एज चिल्ड्रन काउंसलिंग एंड टीचिंग फॉर पेरेंट्स शुड इंक्लूड द फॉलोइंग, रिव्यूइंग द चाइल्ड ईटिंग हैबिट्स, अल्टरिंग मील कंटेंट्स, यूजिंग रिवार्ड अदर देन फूड और प्रमोटिंग रेगुलर एक्सरसाइजेस। अगर बच्चा नहीं ले रहा या बड़ा भी नहीं ले रहा, मैं बड़ों को इसलिए फोकस करती हूँ कि बच्चों पे सारे फोकस करते करते हमारे बड़े जो हमारे जो ओल्ड एडल्ट हैं वो जो है सप्रेस हो जाते हैं, वो निग्लेक्ट हो जाते हैं, तो उन सब और हम भी इसमें शामिल हैं कि हम ये चीजें जो है हम सब ने रिव्यूइंग द चाइल्ड ईटिंग हैबिट्स
बच्चों के साथ, और हमने अपनी भी अल्टिंग मील कंटेंट, हमने अपने जो है मील कंटेंट्स देखते हैं कि उसको हम अल्टरनेटली भी, एक ही कंटेंट नहीं, एक दफा जूस पी लिया तो दूसरी दफा शेक पी लिया तो तीसरी दफा चिकन भी पी ली, तीसरी दफा लस्सी पी ली, कच्ची पक्की जो भी आप लोगों को अवेलेबल हो। और फ्रूट साथ में जो है वो मील में, अगर बच्चा देखो एज है 20 इयर्स या किसी भी एज में रोटी ले सकता है, तो रोटी उसको अकॉर्डिंग टू हर हिज नीड जो है उतना पीस रोटी का, या वेजिटेबल्स या सैलेड्स हैं वो बच्चे शौक से खा लेते हैं, तो सैलेड्स को अट्रैक्टिव बना के लेमन शेमन उसको डाल के कलरफुल करके तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो ये बच्चे एडल्ट एडोलिसेंट और यंगेस्ट यंग एडोलिसेंट एंड ओल्ड एडल्ट जितने भी हैं सबको इसी तरीके से खिलाया जाता है। जो वैरायटी ऑफ फूड एक टाइम दे दी जाए और सेकंड टाइम वो लेने को दिल नहीं करता और सेकंड टाइम उसको चेंज करके दे। चेंज करने में मैंने ये नहीं बताया कि आपके पास हजारों रुपए पर डे हो। हमारे घर में अल्लाह ताला की बहुत सारी नियमतें हैं हमारे घरों में, ठीक है, हमारे घरों में अल्लाह ताला की बहुत नियमतें, जितनी चीजों का मैंने नेम लिया वो हर हर घर में वेजिटेबल्स भी आती हैं, कुछ फ्रूट्स भी आते हैं, लस्सी भी होती है, पानी भी होते हैं, ग्राइंडर भी होता है ग्राइंड करने के लिए, ठीक है, और जूसर भी होता है ग्राइंडर के साथ ही। तो ये इन चीजों को हम अट्रैक्टिव बना के ले सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट एडोलिसेंट 13 to 18 years of age, यानी के यू पीपल, इसमें स्पेशली जो हॉस्टल में रहते बच्चे, the adolescent need for nutrients and calories increases particularly during growth spurts. अब इनकी जो है growth spurts आ रही होती है, इसलिए इनको जो है कैलरीज इंक्रीज करने की जरूरत होती है। नीड ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन एंड विटामिन बी ड्यूरिंग एडोलिसेंट्स, उनको अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज में, अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ मील, अपने जो है टाइम टेबल स्केड्यूल्स ऑफ मील, उनमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उनको इस वक्त इन चीजों की ज्यादा जरूरत है। एन एडोलिसेंट जो है एन एडिकेट डाइट फॉर एन एडोलिसेंट इज वन जो है वन क्वार्टर ऑफ मील पर डे जो है अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मीट वेजिटेबल फ्रूट्स और बीड एंड सीरियल्स, ये चीजें उसने अपनी वेजिटेबल्स में, जैसे मैंने आप लोगों को जब चिल्ड्रन की 12 साल की जो एज के बच्चे, ये भी वही चीजें, लेकिन आप में प्रोटीन कैल्शियम और विटामिन डी जो है आयरन वो आपने थोड़ा ज्यादा ऐड करना है। आप में कैलोरीज की कितनी जरूरत है, कैलोरीज इनटेक ड्यूरिंग एडोलिसेंट इयर्स में 1200 to 1500 मिलीग्राम पर डे आपने लेनी है, मे हेल्प डिक्रीज ऑस्टियोपोरोसिस इन लेटर लाइफ। अगर आप इससे कम लेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस, और ऑस्टियोपोरोसिस मैंने आप लोगों को अपनी जो है मुख्तलिफ जो है स्लाइड्स में, मुख्तलिफ जो है अपने कैले यूनर्स में आप लोगों को इसका ऑस्टियोपोरोसिस का बताया है, टीबी ऑफ द बोन या जो है लैक ऑफ द विटामिन डी और कैल्शियम, ठीक है। तो ये अगर हम अपनी डाइट में कम लेंगे तो ये ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होंगे। जी, कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो कॉमन प्रॉब्लम है दे आर, जी, कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एंड सेल्फ एस्टीम अमंग एडोलिसेंट, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग इनएबिलिटी और रिफ्यूजल टू ईट, रैपिड वेट लॉस। एनोरेक्सिया नर्वोसा मीन के खाना बहुत देर तक नहीं खाते, भूख ही नहीं लगती, खाने को जी ही नहीं चाहता,
और उस पर्सन को निग्लेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही एनोरेक्सिया नर्वोसा हो के कुछ टाइम आपको, ये जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा जो, ये एक लॉन्ग पीरियड टाइम जो है ये रिफ्यूजल टू ईट करते रहते हैं, खाने को दिल नहीं करता। मे बी इनको कोई मेंटली टेंशन है, मे बी इनको कोई साइकोलॉजिकली टेंशन है, मे बी इनको कोई सोशली प्रॉब्लम है, मे बी इनको कोई इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। सो मैनी जो है प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनोरेक्सिया। ये एनोरेक्सिया ही है एक्चुअली, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है एक लॉन्ग टाइम ऑफ एनोरेक्सिया में चला जाए, और इसमें भूख नहीं लगती, तो जब भूख नहीं लगती तो खाना कुछ नहीं तो रैपिडली वेट लॉस, जब वेट लॉस होगा तो सो मैनी डिजीजेस अकर ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है, ये जो आप लोगों ने लिखा है कि फीमेल जो है ज्यादा क्रेजी है वेट लॉस करने के लिए, और उस वेट लॉस करने के लिए उस डजंट मीन के खाना ही कुछ नहीं है, उसमें अपनी कैलोरीज जो है उसको पूरा रखो, और एक उसमें जो है आप जो है कहलें के फूड को या जो है मील को जो है उसका वेट ना देखो, उसकी कैलोरीज देखो कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, अगर आप एक दिन में 1 apple, 1 egg, 1 glass of milk और 1 रोटी के साथ और पानी की रिक्वायरमेंट लेकर लेते हो, तो आपको 4 रोटियां, 4 सेब और 4 जो है वो जूसेस के ग्लास पीने की जरूरत नहीं। आपकी कैलोरीज देखो कि इस जो है फ्रूट और इस एग और इस ब्रेड में कितनी जो है कैलोरीज है। अगर आपकी कैलोरीज फुलफिल हो रही है तो आपको जो है वो अमाउंट ऑफ फूड ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। आपकी कैलोरीज जो वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, ये निम्रा आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे रही हूँ, तो जो वेट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती हैं लड़कियां, तो वो एनोरेक्सिया नर्वोसा नहीं होता। उसमें आप अपने मील्स जो है अपना न्यूट्रिशन वैल्यूज उसको जो है कैलोरीज को कंप्लीट करके एक फूड को काम करते हैं। ठीक है, कि आपने बहुत सारी चीजें जिसमें कुछ भी नहीं है वो नहीं लेनी। ठीक है, तो उसमें कोई एक अच्छा सा वर्ड में ढूंढ रही हूँ जो मेरे जेन में आ रहा है, वो अगर मिलता है तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें आपने वो रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज जो है वो लाजमी पूरा रखना। ठीक है, 1 मिनट मेरे फोन कॉल पिक कर लो। हेलो, ठीक हो गया। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात आपको समझ आ गई होगी, और जो मैं बताना चाह रही हूँ कि आपको उन्हें फूड के वेट को ज्यादा नहीं लेना, फूड की कैलोरीज को आपने अगर फुलफिल कर रही हूँ तो वो फूड के वेट को ज्यादा नहीं करना। ठीक है, जैसे वो चीजें जिन में कैलोरीज फुलफिल नहीं हो रही आप प्लेटें भर भर के खाते जा रहे हो। ठीक हो गया, आगे है बुलिमिया। इट इज एन अनकंट्रोलेबल कंपल्शन ऑफ कंज्यूम एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फूड एंड देन एक्सपेल इट बाय सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग और बाय टेकिंग लैक्सेटिव। तो ये चीजें जो इस टाइप की है वो आपने, जिस तरह मैं बता रही हूँ कि आप बहुत सारी चीजें ले लेते हैं अमाउंट में और उसमें कैलोरीज नहीं होती, बाद में आप लैक्सेटिव लेते फिरते हो और वॉमिटिंग करते हो, इस तरह का आप लोगों ने बिहेव नहीं करना। जो चीज मैं बता रही थी वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, अगर वैल्यूएबल जो है
जो आप डाइट नहीं लेंगी तो उस मोमेंट में जो है अनोनरस अमाउंट ऑफ फूड आप ले लेंगी, कंज्यूम कर लेंगी, और उसकी जो है कैलोरीज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो क्या होगा, लिगजेटिव आपको लेना पड़ेंगी या लेती होंगी। आपकी बात नहीं, मैं ओवरऑल पेशेंट की बात कर रही हूँ, और वॉमिटिंग जो है वो होगी। फिर इसी तरह अगर आप जो है एक्स्ट्रा डाइट लेती हैं तो ओबेसिटी होती है, एक्स्ट्रा कैलोरीज लेती हैं तो ओबेसिटी होती है। तो अब हम चलते हैं यंग, अभी यंग एडल्ट और 18 to 35 years के पीपल आ गए हैं। 18 to 35 years के पीपल से हम दोबारा चलेंगे। पहले मैं आप लोगों की जो है अटेंडेंस ले लूं, अटेंडेंस अगर रह जाती है तो दूसरा टीचर आ जाता है, तो हमें फिर प्रॉब्लम होता है अटेंडेंस लगाने में। ठीक है, मैं पहले बेटा अटेंडेंस ले लूं, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आई एम विद यू माई डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने अभी स्किप नहीं होना, मैं अटेंडेंस ले लूं।
जी बेटा, आप लोगों की अटेंडेंस होगी। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा कितने बजे, 11 से 12 बजे, 9 से 10 11, हाँ 11 से 12 बजे मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा आप लोगों के साथ। अच्छा बेटा, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है, एक मिनट मेरी बात सुने, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है हैंड रेज करने की, और लिखा हुआ कैन स्पीक, स्पीक का हैंड रेज किया हुआ, तो इसको मैंने ऑन किया, आप बोलो मुझे पता चले कि मुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं। एक बच्चा आप में से बोले, आप लोगों को ये नजर आ रहा है स्पीक का जहां पे हैंड रेज किया हुआ, मैंने इसको ऑन किया है। एक बच्चा जो है मैंने ऑन कर दिया स्पीक का, इसको आप बोल के बताओ मुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं। हीरा जफर, आप बोलो जरा। यस, आवाज ही नहीं आ रही मुझे। बेटा मैंने, मैं बोलूं? यस हीरा जफर, बोलो तो सही आप। हीरा जफर, यस मुझे आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हीरा जफर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हीरा जफर, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। अच्छा, बट आई डोंट लिसन, मुझे आपकी हीरा जफर अगर आप बोल रही हो तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आपने अपना माइक ऑन किया है बेटा? आपने अपना माइक ऑन किया है हीरा जफर? चले इट्स ओके, दोबारा ट्राई करेंगे। आप लोगों की अगर वॉइस आ रही है तो मैं क्वेश्चन कर लिया करूंगी। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।